हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक अपनी अहमियत रखता है। ये ग्रामर के तमाम किस्म के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी इसकी हैसियत है। MDCAT के अंदर, ECAT के अंदर ये शामिल नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट का ये हिस्सा होता है। इस टॉपिक का हमें बहुत सारे फ़ायदे, उनमें से एक ये भी है कि सारी जो इंग्लिश की तब्दीलियाँ हैं, मसलन जो टेंस चेंज हो रहा है, वो सब्जेक्ट और वर्ब के डिफरेंट तरीके से अग्रीमेंट होने की वजह से है। वो डिफरेंट अग्रीमेंट डिफरेंट मीनिंग देता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर को जन्म देता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है, बाकी तमाम रूल्स उस प्रिंसिपल से ड्राइव किए गए हैं। हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल से क्या मतलब है, यानी सब्जेक्ट जुमले का जो होता है वो सिंगुलर होगा तो हमारे साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता है, देखें वाज और वर्ब में से सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। वाज सिंगुलर वर्ब और वर्ब प्लूरल वर्ब। हैज और हैव में से हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल। इसी तरह इज सिंगुलर वर्ब और आर प्लूरल वर्ब। इसी तरह हमारे पास वो वर्ब जिनके साथ एस या ई एस लगाते हैं वो सिंगुलर वर्ब होते हैं। अच्छा, हालांकि नाउन में ये होता है एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, वर्ब में ऐसा नहीं है। वर्ब वो सिंगुलर होगा जिसमें एस या ई एस आएगा, वो वाला वर्ब प्लूरल होगा जिसमें एस या ई एस नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे कम्स सिंगुलर है और कम प्लूरल है। अब उसूल ये हुआ कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। मसला बनता है सब्जेक्ट का, उसकी शक्ल से पता ही नहीं लगता ये सिंगुलर है या प्लूरल है। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं उनका नहीं पता लगता सिंगुलर है या प्लूरल है, या सब्जेक्ट दो आ जाए, सब्जेक्ट तीन आ जाए, फिर क्या करेंगे। इसका पहला रूल, अगर दो सब्जेक्ट हो, सवाल पैदा होता है वर्ब किसके हिसाब से आएगा। मिसाल के तौर पे ही एज वेल एज आई, अब ही के हिसाब से इज आना चाहिए, एज जो आई के हिसाब से एम आना चाहिए, और अगर प्लूरल समझें तो आर आना चाहिए। वर्ब किसके हिसाब से आएगा, अगर ये वाले लफ्ज दो सब्जेक्ट्स के दरमियान आ जाएं, एस वन और एस टू के दरमियान ये वाले लफ्ज आ जाएं जिनका जिक्र अब हम करने लगे हैं, उनमें कौन कौन से वर्ड शामिल हैं वो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। अगर एस वन और एस टू इन वर्ड्स के साथ मिलें जिनमें विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट को याद रखना है, खाली एंड नहीं, एंड नॉट आ जाए या नॉट आ जाए, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये जो सारे लफ्ज़ हैं ये आ जाएं तो हम क्या करेंगे, वर्ब एस वन के हिसाब से आएगा। पहला रूल, अगर ये लफ्ज़ आ जाएं और दो सब्जेक्ट्स इन लफ्जों के साथ मिलें वर्ब एस वन के हिसाब से आएगा। मिसाल के तौर पे अली अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वाज प्लेइंग या वर प्लेइंग, अली अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, अली एस वन, हिज फ्रेंड्स एस टू, तो अगर अलोंग विद आए तो वर्ब एस वन के हिसाब से आएगा। एस वन है अली, तो अली के हिसाब से वाज या वर में से वाज आएगा। अली अलोंग विद हिज फ्रेंड्स वॉज प्लेइंग, ये पहला रूल हो गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास रूल, अगर एस वन और एस टू इन लफ्जों के साथ मिलें और नॉर या इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, वर्ब एस टू के हिसाब से आएगा। मिसाल के तौर पे इधर यू और आई एम गोइंग टू टीच या आर गोइंग टू टीच, इधर यू एस वन और आई एस टू, तो एस टू है आई, तो आई के हिसाब से एम आना चाहिए, तो वर्ब जो हमारा है वो एस टू के हिसाब से आएगा। अब इसकी मिसाल लेते हैं, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो यूअर ब्रदर्स हैज अराइव्ड या हैव अराइव्ड, नॉट ओनली यू एस वन बट ऑल्सो यूअर ब्रदर्स एस टू, एस टू के हिसाब से क्या आएगा, हैव, हैव अराइव्ड, रूल टू हो गया, रूल नंबर थ्री। उसके बाद अगर दो सब्जेक्ट एंड के साथ मिलें,
ये बात हमने याद रखनी है, एंड के साथ जब दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे तो एंड प्लूरल बना देता है। जनरली एंड के साथ अगर दो सब्जेक्ट मिलेंगे तो वर्ब प्लूरल आएगा। मिसाल के तौर पे असलम एंड अकरम आर स्टूपिड, असलम एंड अकरम आर प्रेजेंट, आर आएगा। मसलन अली एंड हिज फ्रेंड्स वर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, ठीक हो गया। एस वन और एस टू अगर एंड से मिलेंगे तो वर्ब हमारे पास प्लूरल आएगा। अब कुछ उसकी एक्सेप्शन है, कुछ डिफरेंट चीजें हैं, मसलन इसमें कुछ बातें याद रखनी है। अगर दोनों सब्जेक्ट जो एंड के साथ मिल रहे हैं वो रिप्रेजेंट करें एक ही चीज को, रेफर कर रहे हो एक ही चीज को या एक ही पर्सन को, तो फिर वर्ब सिंगुलर आएगा। मिसाल लेते हैं, द पोएट एंड फिलोसोफर हैज डाइड या हैव डाइड, द पोएट एंड फिलोसोफर। अगर तो ये दो लोग हैं, पोएट और है फिलोसोफर और है, प्लूरल वर्ब आना चाहिए, हैव आएगा। अगर ये दोनों एक ही बंदा है, मसलन अल्लामा इकबाल पोएट भी हैं फिलोसोफर भी हैं, द पोएट एंड फिलोसोफर हैज डाइड, हैव नहीं आएगा। दोनों मिलके एक ही बंदे को रेफर कर रहे हैं तो ये, अच्छा पता कैसे चलेगा कि एक ही बंदे को रेफर कर रहे हैं या दो को कर रहे हैं? अगर एस वन और एस टू के पीछे आर्टिकल ए एन या द अलग अलग आए तो मतलब दो अलग बंदे हैं, एक ही आर्टिकल आए दोनों के लिए मतलब सेम बंदा है। इसके अलावा एंड कुछ मुहावरों में जैसे इस्तेमाल होता है, स्लो एंड स्टडी, हॉर्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टडी, ये सब मिलके एक ही चीज को रेफर करते हैं। मसलन स्लो एंड स्टडी ये फार्मूला है एक कामयाबी का, ये एक पैकेज है, इट रिप्रेजेंट्स एज वन यूनिट। जब ये एक यूनिट के तौर पर रिप्रेजेंट होता है तो वर्ब सिंगुलर आता है, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, और हमने कहा था एस या ई एस लगेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। इसी तरह हॉर्स एंड कैरेज, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। इसी तरह ब्रेड एंड बटर इज माई, आगे जो भी जुमला होगा इज सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक हो गया। तो ये एंड में बात याद रखनी है, जनरली एंड प्लूरल वर्ब लेता है। जब दो लोगों का बयान इस तरह से हो कि वो एक ही बंदे को रेफर कर रहे हों तो सिंगुलर वर्ब आएगा। उसके बाद बेशक वो मिलकर एक आइडिया को रिप्रेजेंट करें फिर भी सिंगुलर वर्ब आएगा, या एस वन और एस टू मिल के एक ही बंदे को या एक चीज को रेफर करें तो भी हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके हो गया। अच्छा इसमें एक और बात, अगर दो सब्जेक्ट यू मिलें कि उनके साथ एवरी आ जाए, मसलन एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, दो सब्जेक्ट एवरी के साथ मिल रहे हों, यानी उन जो सब्जेक्ट हैं जो नाउन हैं उनके साथ एवरी आ जाए, वैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, हैज अराइव्ड टू अटेंड द पार्टी, हैव नहीं आएगा। तो चार बातें एंड की, दो सब्जेक्ट एंड के साथ मिले तो प्लूरल, या वो सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करें तो सिंगुलर, उसके बाद एवरी के साथ दो सब्जेक्ट मिले तो सिंगुलर, उसके बाद अगर दोनों जो जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही बंदे को रेफर करें तो भी सिंगुलर, जिस तरह हमने कहा द पोएट एंड फिलोसोफर हैज डाइड। उसके बाद अगला रूल, हु दैट और विच रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके लिए हमारा प्रोनाउन का लेक्चर अगर आप सुने और रिलेटिव प्रोनाउन का खास तौर पे हमने बड़ी डिटेल में इस पर बात की है। हु दैट और विच, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, बड़ा दिलचस्प सवाल है। हु दैट और विच प्रोनाउन है, ये अपने लिए नहीं आते, ये खुद किसी नाउन की जगह आते हैं। देखें ना रिलेटिव प्रोनाउन कई एक क्वालिटी ये है, वो प्रोनाउन है ही इसलिए कि वो नाउन की जगह आया है। अब जिस नाउन की जगह आया है वर्ब उसके हिसाब से लगेगा। मसलन इट इज आई हु ब्लैंक प्रेजेंट, ब्लैंक से मुराद यानी उसमें हम लगाएंगे खुद, इट इज आई हु एम प्रेजेंट। क्यों, हु किसकी जगह आया है, आई की जगह, आई के साथ क्या आता है, एम, इट इज आई हु एम प्रेजेंट। यू आर वन ऑफ दोज, हु आर, क्यों, हु के पीछे दोज है। यू आर वन ऑफ दोज हु आर ब्रिलियंट स्कॉलर्स, अब हमारे पास आर आया, प्लूरल वर्ब आया, क्योंकि हु के पीछे जो वर्ड था वो प्लूरल था। हु दैट और विच, ये देखें कि ये किस नाउन के लिए आए हैं, किस वर्ड के लिए आए हैं।
ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसकी तरफ, इनका एंटीसीडेंट कौन है। एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जिसके लिए ये प्रोनाउन आए हैं, तो उसके हिसाब से हमारा वर्ब होगा। मिसाल लेते हैं, यू आर वन ऑफ द बॉयज, यू आर वन ऑफ द बॉयज हु बिलीव इन अल्लाह या बिलीव्स इन अल्लाह। यू आर वन ऑफ द बॉयज हु बॉयज की जगह आया तो इसके साथ बिलीव आएगा, बिलीव्स नहीं आएगा। एक और मिसाल लेते हैं, आई नो एनदर पर्सन हु लाफ एट अस, हु किसकी जगह आया, एनदर पर्सन एक आदमी है तो लाफ्स आएगा, लाफ नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर एस वन आ जाए और उसके बाद ऑफ फ्रेज आ जाए, ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाए, यानी ऑफ के बाद भी कोई नाउन हो, मसलन अ वैरायटी ऑफ मैंगोज, आ वैरायटी ऑफ आ गया, आगे मैंगोज आ गए, वर्ब किसके हिसाब से आएगा, मैंगोज के हिसाब से या अ वैरायटी। ऑफ के केस में आप जनरली ऑफ से पीछे वाले लफ्ज़ को देखें, आ वैरायटी, बात एक वैरायटी की हो रही है, आमों की एक वैरायटी वाज रोटन खराब थी, वर नहीं आएगा, यानी मैंगोज के हिसाब से नहीं आएगा, वैरायटी के हिसाब से आएगा। हम ऑफ से पीछे वाले हिस्से को देखेंगे, जिस तरह हम कहते हैं वन ऑफ द बॉयज वाज इडियट, वन ऑफ द बॉयज, ऑफ से पीछे क्या आया, वन, और वन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। ओके हो गया। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अगर ऑफ के पीछे परसेंटेज आ जाए तो ऑफ के बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा, अगर ऑफ से पीछे डिस्टेंस आ जाए, ऑफ से पीछे फ्रैक्शन आ जाए तो हम ऑफ के बाद वाले वर्ड के हिसाब से, मसलन 1/2 ऑफ पॉपुलेशन या हाफ ऑफ पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन के हिसाब से फर्क आएगा, हाफ ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड, उसे तबाह किया जा चुका है। जैसे कोई मिसाल लेते हैं, मसलन 21% अब परसेंटेज आ गई, 21% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर, तो पॉपुलेशन के हिसाब से आएगा, ऑफ से पीछे वाले के हिसाब से नहीं आएगा। कब, जब डिस्टेंस परसेंटेज फ्रैक्शन आ जाए तो हम ऑफ से बाद वाले लफ्ज़ के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, अगर ये आ जाएं तो वर्ब कौन सा होगा, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, मसलन द नंबर ऑफ पीपल वॉज प्रेजेंट या वर प्रेजेंट, आ नंबर ऑफ पीपल वॉज प्रेजेंट या वर। मैंने ना एक निशानी लगा के याद रखा हुआ है, आ नंबर ऑफ को मैंने जो उसका मीनिंग ज़हन में रखा हुआ है कई, मैनी, तो मैनी के साथ आ रहा था, कई लोग आए थे। जब मैं कहता हूँ द नंबर ऑफ, इसका मतलब मैंने रखा हुआ है तादाद, लोगों की एक बड़ी तादाद थी, थे नहीं। याद रखिएगा द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, यानी इज आर में से अगर देखा जाए आ नंबर ऑफ के साथ आर आएगा, द नंबर ऑफ के साथ इज आएगा। मिसाल लेते हैं, आ नंबर ऑफ बॉयज वर रेडी टू अटेंड पार्टी, आ नंबर ऑफ के साथ वर, द नंबर ऑफ बॉयज वॉज रेडी टू अटेंड पार्टी, लड़कों की एक बड़ी तादाद पार्टी में जाने के लिए तैयार थी। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ और मेजॉरिटी, याद रखिएगा मेजॉरिटी ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर रेडी टू अटेंड द पार्टी, मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज अनएजुकेटेड, इज मेजॉरिटी इन पाकिस्तान इज, बात मेजॉरिटी की हो रही है, पाकिस्तान में अक्सरियत, तो मेजॉरिटी ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आता है और मेजॉरिटी के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। उसके बाद बड़ा अहम रूल, इसको हमने इंडेफिनेट प्रोनाउन में भी डिस्कस किया हुआ है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ये ज़रा लफ्ज़ देखें, जिनके साथ बॉडी आता है, सम बॉडी, एवरी बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, जिनके साथ थिंग आता है, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, वन, सम वन, एनी वन, नो वन, एवरी वन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके हो गया। वन वाले लफ्ज, थिंग वाले, बॉडी वाले, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। इसके अलावा चंद लफ्ज, ईच वर्ब सिंगुलर, एवरी वर्ब सिंगुलर, ईदर वर्ब सिंगुलर, नीदर वर्ब सिंगुलर,
ये वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जिनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा. चंद ऐसे हैं जिनके साथ वर्ब प्लूरल आएगा. पहले सिंगुलर की मिसाल ले लेते हैं. एवरी वन ऑफ देम, अब ऑफ से पीछे देखना है और ऑफ से पीछे एवरी वन है और एवरी वन के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा क्योंकि ये इनमें शामिल है. एवरी वन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट. अब प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन, हाँ, सेवरल, फ्यू, मैनी, बोथ, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है प्लूरल. प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, इनका भी कोई मसला. वो सिंगुलर थे, बॉडी, थिंग और वन वाले, ये प्लूरल है. कुछ ऐसे हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है, प्लूरल वर्ब भी आता है. वो हैं पांच लफ्ज, इनको याद कैसे रखना है. सनम, सनम में एस स्टैंड्स फॉर सम, ए स्टैंड्स फॉर एनी, एन स्टैंड्स फॉर नन, अगला ए स्टैंड्स फॉर ऑल और एम स्टैंड्स फॉर मोस्ट. ये हो गया सनम. अगर ये अनकाउंटेबल के लिए आए, प्रोनाउन है ना, किसी नाउन की जगह आएगा, अनकाउंटेबल के लिए आए तो वर्ब सिंगुलर होगा, काउंटेबल के लिए आए तो वर्ब प्लूरल होगा. मसलन सम ऑफ द शुगर, अब शुगर अनकाउंटेबल है, सम ऑफ द शुगर इज अवेलेबल देयर, इज आया. सम ऑफ द बॉयज, बॉयज काउंटेबल हैं, उन्हें गिना जा सकता है. सम ऑफ द बॉयज हैव, सम सिंगुलर के लिए भी आया, प्लूरल के लिए भी आया. डिपेंड करता है कि सम किसके लिए आ रहा है. अगर अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है. ओके होगा. अगर सम काउंटेबल के लिए आया है तो काउंटेबल, फिर अगर प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब आएगा. सम ऑफ द बॉयज अब प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब आएगा, और अगर हैज हैव में से लेना हो तो हैव आएगा, यानी प्लूरल वर्ब आएगा. इसी तरह ऑल को देखें, ऑल ऑफ देम अब बंदे हैं तो प्लूरल है, वर्ब प्रेजेंट देयर. अच्छा, अगर हम कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स, सिंगुलर वर्ब लगाया, चूंकि ऑल अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो ये पांच वो वर्ड्स हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं, जिनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है, प्लूरल भी. सिंगुलर कब आएगा, अगर वो काउंट जो अगर वो अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होगा. प्लूरल कब आएगा, अगर वो काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होगा. उसके बाद कुछ नाउन ऐसे हैं, प्लूरल नाउन, जो एडजेक्टिव के साथ दा लगाने से बनते हैं. मसलन पुअर, द पुअर, रिच, द रिच. अब द पुअर से मुराद गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, ये प्लूरल इस्तेमाल होगा. द रिच भी प्लूरल होगा और इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा. मिसाल, अच्छा इसी तरह द पुअर फेस मैनी प्रॉब्लम्स, फेसेस नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब आया. इसी तरह द डेड, ये मरा हुए लोग, द डेड आर नेवर फॉरगॉटन, हालांकि ये बात गलत है, अक्सर बुला दिए जाते हैं. खैर, द डेड आर फॉरगॉटन. अब द डेड से मुराद मरे हुए लोग. जब एडजेक्टिव और द मिलके आ जाएं सब्जेक्ट के तौर पे, तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा. उसके बाद कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे. ये कन्फ्यूजिंग एस, यानी इनका एस कन्फ्यूजन ये पैदा करता है कि ये प्लूरल हैं, हालांकि इनका इस्तेमाल सिंगुलर है. जैसे वेजेस, जैसे न्यूज़, जैसे समन्स, ये अदालती बुलावा, ऑफिशियल जो होते हैं, इसे समन्स ही पढ़ते हैं, सिंगुलर भी समन्स ही होता है. न्यूज़ सिंगुलर भी न्यूज़ ही होती है, प्लूरल भी न्यूज़ ही होती है. इनके साथ, यानी इसकी शक्ल ही एस के साथ है, और ये समन्स, न्यूज़, ये शक्ल में रहेंगे ही ऐसे. गैलोज कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है, जैसे मैथमेटिक्स, ये लफ्ज़ ही एस के समेत है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. उसके अलावा कुछ बीमारियाँ जैसे मीजल्स, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. एड्स, सिंगुलर वर्ब आएगा. और जैसे कुछ नेशनैलिटीज़ हैं, कुछ मुल्क हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. तो इन लफ्ज़ों के साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होगा. मसलन दिस न्यूज़ इज़ वेरी गुड, मीनिंग आर नहीं होगा. उसके बाद सीरीज़ एक लफ्ज़ है, टेस्ट सीरीज़. अब वो सिंगुलर भी सीरीज़ ही है, एस के साथ ही है. वो इस वजह से हमें लगता है, यानी वो एस इस लफ्ज़ का हिस्सा है, प्लूरल वाला एस नहीं है. टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी प्लेड. तो ये उसकी एग्जाम्पल्स हो गई. जेरेंड, बड़ी अहम बात, हम जेरेंड किसे कहते हैं, वो वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म अगर नाउन का काम करे, यानी नाउन बन जाए, नाम बन जाए एक्शन का, जैसे स्विमिंग, स्मोकिंग, ये एक अमल का नाम है, एक्शन का नाम है, नाम नाउन होते हैं. जब आई एन जी वाली फॉर्म नाउन का काम करे तो वो हुई जेरेंड. अच्छा, जेरेंड के साथ जनरली आर्टिकल नहीं लगाते, जनरली नहीं लगाते, एक्सेप्शन आर देयर. जेरेंड के साथ सिंगुलर वर्ब आता है,
मिसाल के तौर पे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ आर नहीं, स्विमिंग हैज इंप्रूव्ड माय हेल्थ हैव नहीं, तो जेरंड जितने भी हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। शुक्रिया। अच्छा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो नाउन का हिस्सा है वो हमने शामिल नहीं किया। नाउन का भी वर्ब के साथ अग्रीमेंट होता है, उसमें सिर्फ हमने कंफ्यूजिंग एस वाला हिस्सा शामिल किया है। वो हम नाउन के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नाउन और वर्ब का आपस में क्या अग्रीमेंट है। और वीडियो के एंड पे मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो रिकॉर्डिंग में, मटेरियल की डेवलपमेंट में, इसकी एडिटिंग में, इसकी अपलोडिंग में, इसको लाइक करने में, शेयर करने में, कमेंट करने में, स्प्रेड करने में, और हमें दुआएं हमारे साथ जो भेजते हैं, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।